हेलो स्टूडेंट, समीक्षा इंस्टीट्यूट में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। बायोलॉजी का ये 7 नंबर का चैप्टर है जिसमें हम विटामिन्स पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो भी विटामिन से इन ऑल क्वेश्चंस पृथ्वी परीक्षा पूछने को मिलते हैं वो सारे ही सारे इसमें कवर हो जाएंगे, पूरे के पूरे फ्रेंड्स। अगर आप एक विटामिन पर 100 वर्ड्स का भी एक पैराग्राफ लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, तो वो भी मैं इसमें आपको कवर करवाऊँगा। सारे के सारे विटामिन्स का इम्पोर्टेंट मैटर इसमें कंटेंट किया हुआ है। आप एक बार देखिए पूरे लेक्चर को, आपको बहुत ही पसंद आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले समीक्षा इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं फ्रेंड्स, बेल आइकन को क्लिक भी कर लें। इसके पहले ऑलरेडी 6 लेक्चर आ चुके हैं बायोलॉजी के, नहीं देखें तो जाकर देखिए। और इसको हम विटामिन को कवर करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स के खोजकर्ता, फिर विटामिन्स के पूरे प्रकार और विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, देखिए विटामिन जो होते हैं, विटामिन शरीर में सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन इनकी कमी से कई रोग हो जाते हैं। विटामिन का निर्माण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता हो सकता, लेकिन इसकी पूर्ति खाने के द्वारा हो सकती है। लेकिन विटामिन डी और के मानव शरीर के अंदर निर्मित होते हैं। विटामिन सभी औपचारिक क्रिया को नियंत्रित करते हैं। अब देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उपचारी क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, विटामिन्स करते हैं। मानव शरीर के अंदर कौन कौन से विटामिन बनते हैं, तो मानव शरीर के अंदर देखिए विटामिन डी और विटामिन के बनते हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे और किस कारण से बनते हैं आने वाले जी विटामिन, जब एक एक करके पूरे पढ़ेंगे हम। और बाकी के विटामिन्स आपको बाहर के स्रोत से, मतलब एक्सटर्नल पार्ट से मिलेंगे। कोई भी वस्तु आप खाओगे, कोई भी पोषण तत्व खाओगे, उससे विटामिन्स मिल जाएंगे। लेकिन विटामिन डी और के का निर्माण आपके शरीर में होगा, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है विटामिन से संबंधित, ठीक है। विटामिन की दो श्रेणियाँ बांटी हुई है, तो हमने जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन कौन से हैं, बी और सी, याद रखना। देखिए सभी विटामिन अलग अलग प्रकार से कार्य करेंगे। वाटर सेल्यूबल कौन से रहेंगे, बी और सी, एंड फैट सेल्यूबल कौन से रहेंगे, बसा में घुलनशील, ए डी ई के। बस आप एक जल में घुलनशील याद रखो। अब इसकी एक मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, देखिए अभी मैं आपको बी और सी की एक ट्रिक बताऊँगा कि ज़्यादातर बी और सी जो विटामिन्स हैं, बी और सी विटामिन्स रसीले किसमें, रसीले फलों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, रसीले फलों में पाए जाते हैं। अब रसीले फल पानी युक्त होते हैं, याद रखना, जलयुक्त होते हैं। तो एक बात याद रखना कि बी और सी आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे। जैसे सी को ले लो आप, सी सिट्रिक एसिड होता है, किसमें पाया जाता है, संतरे में। संतरे से क्या प्राप्त होता है, विटामिन सी, खट्टा पदार्थ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि जलीय या रसीले पदार्थ में पाए जाते हैं बी और सी, तो जल में घुलनशील होते हैं, बाकी के वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। चलिए, विटामिन शब्द कैंसिमिर फुंक ने प्रतिपादित किया था, याद रखना। चलिए तो पहला विटामिन देखते हैं हम, सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसकी खोज स्टीनबॉक ने की थी। किसने की थी इसकी खोज, स्टीनबॉक ने की थी। स्टीनबॉक ने 1919 में की थी, ठीक है। तथा कैरियर ने विटामिन ए की संरचना ज्ञात की थी, किसने, कैरियर ने 1931 में। तो दोनों को याद रखना, स्टीनबॉक ने विटामिन ए की खोज की थी, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इस विटामिन को प्रति संक्रमण या एंटी इफेक्टिव विटामिन भी कहा जाता है। एंटी इफेक्टिव विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन ए को। यह सामान्य दृष्टि एवं स्वस्थ आँखों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है विटामिन ए, ठीक है, याद रखना, आँखों की तीव्रता को बढ़ाने के लिए। इसके स्रोत कहाँ से, ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो विटामिन जो ए है, पीली एवं हरी पत्तीदार सब्जियों से, पालक हो गई जैसे, एवं गाजर, पपीता, आम, मक्का, दूध, घी, जिस सारे के सारे पदार्थों से हमें यह स्रोतों से विटामिन ए प्राप्त होता है। यह अधिक ताप पर नष्ट हो जाता है, याद रखना। जैसे आप कोई भी सब्जी या गाजर, पपीता, इनको अगर गर्म करते हो आप, या दूध को ज़्यादा गर्म करते हो, तो विटामिन ए उसमें ख़त्म हो जाता है अधिक ताप पर। इसकी कमी से रात्रि नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाती है, याद रखना, जिसमें कम प्रकाश में वस्तुएं दिखाई नहीं देती।
जीरोफेथलमिया या फिर क्रेटोमेलेसिया आँख की पुतली की भाप परत को सूखना एवं सिकुड़ना आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं इससे, ठीक है, विटामिन ए से। नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन बी। देखिए विटामिन बी क्या है, कई भागों में बांट दिया है विटामिन को, विटामिन बी को, जैसे B1, B2, B3, B12 तक बांट दिया है इसको। तो हम जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हैं, जो जिनसे प्रतियोगी परीक्षा क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे कवर करते हैं। विटामिन सबसे पहले वन देखेंगे। तो रासायनिक नाम आपको सबके याद करना है, स्रोत आपको याद करना है, इनसे होने वाली बीमारी आपको याद करना, इम्पोर्टेंट तीन चीज़ तो हैं। उसके बाद चार पाँच को आप क्रम में रखिए और याद करिए। तो विटामिन B1 का नाम है थायमिन, विटामिन ए का नाम हमने पढ़ा था रेटिनोल, विटामिन B1 का क्या है थायमिन। इसका नाम विटामिन B1 का फूंकने दिया था, याद रखना, यह भोजन पकाते समय नष्ट हो जाता है तथा भोजन के पानी में घुल जाता है। यह तंत्रिका कोशिका और उपाचन की क्रियाविधि में सहायक होता है। यह पाचन एवं भूख को सामान्य रखने में भी सहायक होता है। इसके मुख्य स्रोत खमीर, चावल, गेहूँ, सेम, सोयाबीन, यकृत का तेल, दूध आदि हैं। इसकी कमी से वेरी वेरी रोग हो जाता है। इसके लक्षण भूख न लगना एवं पैरों तथा सिर में अधरंग हो जाना होता है। नेक्स्ट आता है विटामिन B2, जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। यह भोजन पकाते समय तथा तेज सूर्य के प्रकाश में भी नष्ट हो जाता है। यह प्रोटीन एवं वसा उपापचयन में सहायक होता है। यह शरीर की सामान्य बुद्धि हेतु आवश्यक है। इसके मुख्य स्रोत दूध, अंडा, यकृत, हरी सब्जियां, दालें, पनीर आदि हैं। इसकी कमी से जीवी व कॉर्निया में सूजन व हॉट फटने लगते हैं, किसकी, विटामिन B2 की या राइबोफ्लेविन की कमी से। नेक्स्ट आता है विटामिन B6। अब देखिए B1, B2 के बाद इम्पोर्टेंट है B6, B9 और B12। विटामिन B6 का नाम नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड होता है। विटामिन B6 का नाम नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, ठीक है। विटामिन ए का नाम हमने रासायनिक पढ़ा था रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का नाम पढ़ा था हमने राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 का नाम है नियासिन या निकोटिनिक, यह एंटी पेलेग्रा कारक भी कहलाता है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के ऑक्सीकरण में सहायक होता है। इसके मुख्य स्रोत अनाज, यकृत, मक्का, फल, दूध, अंडा, मांस आदि है। इसकी कमी से पेलाग्रा, डर्मेटाइसिस आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है विटामिन B9 फॉलिक अम्ल। यह लाल रुधिर कणिकाओं की वृद्धि एवं परिपक्वन हेतु आवश्यक है। इसके मुख्य स्रोत पत्ती, हरीदार सब्जियां, खमीर, केला, दालें, फूलगोभी, मांस, यकृत आदि हैं। इसकी कमी से मनुष्य में मैक्रोसाइटिस, रक्तालपा हो जाती है। विटामिन B12 साइनोकोबालमिन, यह कोबालमाइन साइनाइड भी कहलाता है, याद रखना। विटामिन B12 को, विटामिन B12 से बहुत क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। यह RBC निर्माण एवं तंत्रिका तंत्र के कार्य में सहायक करता है। इसके मुख्य स्रोत यकृत, पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा आदि हैं। इसकी अल्पता से पनीस एनीमिया हो जाता है। इसकी कमी से क्या है, एनीमिया रोग हो जाता है B12 की कमी से। विटामिन सी, बहुत विटामिन सी से भी क्वेश्चन आते हैं। इसका रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड या एस्कार्बिक अम्ल है। यह दांत, मसूड़ एवं जोड़ हेतु आवश्यक है। यह पित्ताशय में फतरी के बचने इसको रोकता है। यह ताप से नष्ट हो जाता है। यह संक्रमण के प्रति हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इसके प्रमुख स्रोत आंवला, रसीले फल, अमरूद, टमाटर, मिर्च आदि हैं। जो भी खट्टे फल रहते हैं एस्कार्बिक एसिड में रहते हैं, ठीक है, याद रखना। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, इसमें मसूड़े से खून निकलने लगता है। विटामिन सी हो गया एस्कार्बिक एसिड। विटामिन डी, नेक्स्ट है विटामिन डी। इसे सूर्य से प्राप्त विटामिन अथवा एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा के नीचे बनता है। यह अस्थि एवं दांतों की मजबूती हेतु आवश्यक है। DNA संश्लेषण और कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण में सहायक है।
इसके स्रोत अंडा, दूध, मछली के यकृत का तेल आदि है। सूर्य का प्रकाश विटामिन ए का सबसे सस्ता स्रोत है। यह अस्थियों को प्रभावित करता है तथा इसकी कमी से बच्चों एवं वयस्कों में क्रमशः रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया रोग उत्पन्न हो जाता है। किसके? विटामिन डी की कमी से। और जैसे मैंने आपको बताया, विटामिन डी का शरीर में ही बनता है, जो सूर्य के प्रकाश से बनता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन है अपने विटामिन ई, टोकोफेरोल। इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं। यह ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है तथा आरबीसी निर्माण में सहायक होता है। यह नर एवं मादा दोनों में प्रजनन तंत्र के सामान्य कार्यों हेतु आवश्यक होते हैं। इसके स्रोत वनस्पति तेल, गेहूँ, बिनोला आदि हैं। इसकी कमी से पेशियाँ नष्ट होने लगती हैं तथा प्रजनन तंत्र असामान्य हो जाता है, विटामिन ए की कमी से। रासायनिक नाम क्या है इसका? टोकोफेरोल। विटामिन के, फ्लोक्यूनन। इसका रासायनिक नाम फ्लोक्यूनन है। इसकी खोज हेनरिक डैम ने 1935 में की थी। यह नेप्थोक्विनोन भी कहलाता है तथा शरीर में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित हो जाता है। यह विटामिन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है तथा इसके अंदर में विटामिन कहलाता है। इसके मुख्य स्रोत फूलगोभी, पालक, टमाटर, सोयाबीन आदि हैं। इसकी कमी से रुधिर का थक्का जमने में विलम्ब होता है तथा हेमरेज जैसी बीमारी भी हो जाती है। किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। ये सारे सारे विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, विटामिन से संबंधित मैटर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। देखिए, इसमें इनऑल वो सारे सारे विटामिन कवर हो चुके हैं जिससे आपको पृथ्वी परीक्षा में क्वेश्चंस बनते हैं। चैनल से जुड़े रहिए, समीक्षा इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एवरी सोशल साइट्स पर जुड़ जाइए फ्रेंड्स। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।